हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रवीना फ्रॉम गाजीपुर। आज का क्वेश्चन है, उसने कहा था पाठ का सारांश मैं अपने शब्द में व्यक्त करना चाहती हूँ। उसने कहा था पाठ का लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने एक लड़का और एक लड़की की अनमोल कहानी बताई है, जिसमें लड़का का नाम लहना सेन और लड़की का नाम शुभदारिणी है। लड़का का उम्र 12 वर्ष और लड़की का उम्र 8 वर्ष है। 8 वर्ष है। जब लड़का अमृतसर के बाजार में जब लड़का और लड़की अमृतसर के भीड़ भाड़ बाजार में मुलाकात होते हैं, तो लड़का का उम्र 12 वर्ष और लड़की का उम्र 8 वर्ष होती है। जब लड़की का शादी 25 वर्ष बाद सुबदार हजारा सिंह के साथ हो जाता है, उसके बाद हजारा सिंह और सुदारनी का एक पुत्र होता है, उसका नाम बोधा सिंह है। वह भी सैनिक के पद पर रहते हैं। और हजारा सिंह और लहना सिंह मुलाकात होते हैं कुछ जमीन के मामले में कुछ होता है, तो दोनों एक साथ मुलाकात होते हैं। तो हजारा सिंह कहते हैं कि तुम मेरे घर वापस चलना, मेरे साथ वापस चलना। तब जब लहना सिंह वापस घर जाते हैं हजारा सिंह के घर जाते हैं तब शुभदारिणी से मुलाकात होती है। शुभदारिणी कहती है कि जिस तरह से तुम मेरे बचपन में मेरी रक्षा किए थे ठीक उसी प्रकार तुम मेरे पुत्र और पति की रक्षा करना। लहना सिंह ने ठीक उसी प्रकार पुत्र और पति की रक्षा करते हैं। और लहना सिंह अंत तक निभाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। Began for him, her. चलिए, तो ये रवाना तो ध्यान दीजिएगा, सुबह का मौसम है, बृहस्पति दिन है नहीं, तो ये रवीना सिंह के द्वारा प्रस्तुति की गई उसने कहा था का सारांश अपने शब्दों में। तो आप ध्यान लगा सकते हैं और सोच सकते हैं कि एक लड़की भी इतनी बोल्ड होकर और इतनी बेहतरीन ढंग से पेश कर सकती है। नहीं तो आज जो हम लोग बात कर रहे थे लड़के और लड़कियों में, वो सारा डिफरेंस अब क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। आज लड़कियां भी चांद पे जाती है, आज लड़कियां भी सभी चीज में भर्ती होती है, नहीं हर तरह के पोस्ट पर वो अभी विराजमान है, और यहाँ तक कि IAS टॉपर भी बनती है आज लड़कियां। तो हर मामले में लड़के से कहीं 20 साबित हो रही है। अगर लड़के अपने जीवन को नहीं संवारते हैं तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। नहीं तो आप लोग भी संवारिए अपने जीवन को। और सबसे पहले इनको हम धन्यवाद देते हैं, चूंकि इन्होंने बेहतरीन ढंग से पेश किया है। चूंकि अभी स्टूडेंट लाइफ में तो थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, नहीं तो इन सब चीज़ होती रहती, लेकिन माइक के सामने आकर बोलना, कैमरा फेस करना, इट्स नॉट अ ईजी टास्क। सो हम आप लोगों से आग्रह करते हैं कि आप लोग हिम्मत करें। कब तक? नहीं, अपने घर में अपने माँ बाप की और रोटी बनाते रहिएगा। आप बाहरी दुनिया का भी दर्शन करें कि दुनिया कैसी है। जो भगवान ने आपको दिमाग दिया, आपको बॉडी दिया है, उस शरीर का और उस दिमाग का इस्तेमाल करें और देखें कि दुनिया कितनी बड़ी है। नहीं तो मेढक की तरह टर टर करते हुए कुएं में रह जाओगे। नहीं तो आइए हम लोग एक बार फिर से
इन तमाम लड़कियों को सैल्यूट करते हैं और आशा करते हैं कि आगे इनकी तैयारी अच्छी रहेगी और ये लोग मेहनत करेंगे और इसी प्रकार का परफॉर्मेंस। सबसे बड़ी बात हमें यह लगा कि आजकल के जो गार्जियन है, जो पेरेंट्स है, उन्होंने अपने लड़कियों को खासकर यूट्यूब पर आने का मौका दिया, जो पहले एक पिक्चर पर बवाल हो जाता था। नहीं तो मैं उनको भी शुक्रिया देता हूँ, उन तमाम माता और बहनों को भी और पिता को भी नहीं, जिन्होंने एक अच्छे भाई तो कभी नहीं होता है, भाई को मैं शुक्रिया अदा नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत कम भाई ऐसे होते हैं जो अपनी बहन को आगे बढ़ने का मौका देते हैं, रक्षा करते हैं। रक्षा इसलिए करते हैं कि बहन को कमज़ोर बनाते हैं। जब बहन को मजबूत बना दिया जाए तो रक्षा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और हम लोग का तो परंपरा भी चल रहा है कि भाई को राखी बांधो, मतलब बहन कमज़ोर है, भाई रक्षा करेगा। क्यों भाई रक्षा करेगा? मेरे अंदर ताकत नहीं है क्या रक्षा करने का? तो हमारे भाई लोगों से भी आग्रह है कि अपनी अपनी बहन को थोड़ा आज़ादी दे, पढ़ने की स्वतंत्रता दे, उन पर डाउट ना करें और उनको खुलकर जीने का मौका दे। आप 10 से बात करते हैं कोई बात नहीं, और लड़की अपने रिश्तेदार से बात करे तो तहलका मचा देते हो, तो ये बुरी बात है। नहीं, सबको जीने का अधिकार दे और स्वतंत्रता दे, पढ़ने में रोके नहीं, आने दे। लेकिन फिर भी मैं उन भाइयों को भी नमस्कार करता हूँ जिन्होंने इतना होते हुए भी इस कोचिंग में, अच्छे कोचिंग में भेजा। नहीं तो इन सब चंद लम्हों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हाँ हेलो, एक बात और सुनिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ओके। और इतना शेयर कीजिए, अभी आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अभी 773 से ऊपर हो गए हैं सब्सक्राइबर। नहीं तो आप लोगों का अगर इच्छा रहा, आप लोगों का अगर दिल की तमन्ना रही कि आपका परिवार बढ़े, तो ये बढ़ते चले जाएंगे। तो एक बार फिर से, आप बटन नीचे दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।